हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइनों पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MH 09 का लेसन 12 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में। इस लेसन को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट वन के अंदर में हमने खिलाफत आंदोलन के बारे में बात किया था। आज की इस वीडियो के अंदर में हम पार्ट टू को कवर करेंगे, जहाँ पे हम असहयोग आंदोलन को पढ़ने वाले हैं। असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर अभी तक आपने खिलाफत आंदोलन की वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि एक बेसिक पॉइंट था खिलाफत आंदोलन, जिसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। और पार्ट वन की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। MHI 09 के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां से आप खिलाफत आंदोलन की वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि खिलाफत आंदोलन था क्या, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा रिकैप करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि खिलाफत आंदोलन की जो प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से स्टार्ट हुआ। खिलाफत आंदोलन का अगर टाइमलाइन की बात करो तो मार्च 1919 से लेकर जनवरी 1921 तक खिलाफत आंदोलन चलता है। इसमें मेनली जो पूरा अगर कंटेंट को देखोगे तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा तुर्क के अंदर में जो खलीफा जो राज था, खलीफा का जो शासन था, खलीफा जो व्यवस्था था, उसको कुचलने की कोशिश की गई, उसके पावर को हटाने की कोशिश की गई, जिसके बाद भारतीय मुस्लिम के द्वारा उस पर रिएक्ट किया गया। उसके ऊपर में यहाँ पे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। इसका मेन रीजन क्या था कि भारतीय जो मुस्लिम थे और पूरे जो विश्व के अंदर में जो मुस्लिम समुदाय था, वो इस्लाम धर्म के रक्षक के तौर पे खलीफाओं को मानते थे कि वो जो खलीफा है उनके पास पावर है कि वो इस्लाम धर्म की रक्षा कर सके, जिसके कारण से ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इनको दबाने की कोशिश कर रहे थे, इनको कुचलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण से सारा कुछ स्टार्ट होता है। खिलाफत आंदोलन के अगर आप कारण को देखोगे, क्या कारण था भारत के अंदर में, भारत के लोगों ने क्यों इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, हिंदू मुस्लिम लोगों ने भी इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रखा था, तो क्या रीजन था, क्योंकि ये पूरा मुद्दा खिलाफत आंदोलन का कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों के लिए ही था, ना कि हिंदू लोगों के लिए था, पर फिर भी दोनों समुदाय के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसका एक मेजर रीजन ये था कि हिंदू लोगों के लिए भी जो दुश्मन था वो ब्रिटिश सरकार ही था, मुस्लिम लोगों के लिए भी जो दुश्मन था ब्रिटिश सरकार ही था, जिसके कारण से दोनों समुदाय एक साथ मिलकर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगर आंदोलन के कारण को देखोगे, क्या कारण था जिसके कारण से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, तो जो सरकार का व्यवहार था, किस तरह से कुर्तापूर्ण व्यवहार कर रही है लोगों से, ये मेजर कारण बनता है। रॉलेट एक्ट को पास करना, फिर पंजाब के अंदर में मार्शल लॉ लागू करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ढंटर आयोग के द्वारा पक्षपात रिपोर्टर्स पेश करना, और ब्रिटेन के संसद में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर जो जनरल डायर की कार्रवाई थी उसको उचित ठहरा देना, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं जिसके कारण से यह आंदोलन की स्टार्ट किया जाता है। और एक रीजन ये भी रहता है कि जो आर्थिक व्यवस्था होती है और असंतुष्ट भारतीय लोगों की जो व्यवस्था होती है ना, जो लोग सेटिस्फाई नहीं रहते अंग्रेजों की पॉलिसी से, जो उसके अंदर में सोच रहे थे परिवर्तन हो सकता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, उसके कारण से भी यहाँ पे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। और यही आंदोलन आगे चल के इलाहाबाद के अंदर में जब जून के अंदर में गठन होता है संघ कांग्रेस सदस्यों का, एक मीटिंग आयोजित की जाती है, जिसके बाद इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के रूप में बदल दिया जाता है। अब असहयोग आंदोलन था कैसे, क्या आगे बढ़ा, उसके बारे में हम पार्ट टू के अंदर में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, असहयोग आंदोलन के लिए एक मीटिंग की जाती है, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन के रूप में आह्वान किया जाता है कि असहयोग आंदोलन शुरुआत हो रहा है। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज थे भैया कि असहयोग आंदोलन तो ठीक है 1 अगस्त से स्टार्ट तो कर दिए, पर असहयोग आंदोलन के अंदर में करना क्या है, होता क्या है, क्या चीज है। तो असहयोग का मतलब होता है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है, जहां पे आप किसी को कॉपरेट नहीं करोगे। कई बार आपने सुना होगा यार प्लीज कॉपरेट ऐसा करके, भाई बहुत बार नॉर्मल कॉमन वर्ड है। तो कॉपरेट मतलब क्या, किसी का सहयोग देना, और नॉन कॉपरेट मतलब क्या, हम सहयोग नहीं करेंगे। मैंने कहा आपको कि ये काम करना है तो अगर आप मेरी बात मान रहे हो तो मतलब क्या, आप मुझे कॉपरेट कर रहे हो, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मतलब मेरे कॉपरेट नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट का स्टार्ट किया गया 1 अगस्त को, पर अब लोगों को ये नहीं पता था इसके अंदर में करना क्या है। तो जिसके बाद कलकत्ता के अंदर में कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन बुलाया जाता है जो 4 सितंबर 1920 को रखा जाता है, और इसके अंदर में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इस असहयोग आंदोलन के अंदर में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। चलिए उसको भी देखते हैं क्या क्या कार्यक्रम रखे गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले रखा गया कि जो भी सरकारी स्कूल है, सरकारी सहायता जहां पे दी जाती थी सरकार के थ्रू आता था कि भैया ये लो फंड आ रहा है इसके थ्रू स्कूल चलाना है, उसका बहिष्कार करने की बात की गई। साथ साथ में जितने भी विदेशी कपड़े थे, अन्य वस्तुएं थे, उसका बहिष्कार किया गया। सरकारी उपाधियां थी, किसी व्यक्ति को उपाधि मिलता था कि ये पद्म भूषण है, भारत रत्न है, इस तरह से जो भी उपाधियां मिलती थी उसका वहां पे त्याग किया गया, और जो भी अवैतनिक पद होते थे उसका भी त्याग किया गया, ठीक है। साथ साथ में जो स्थानीय संस्थाएं थी उसके सदस्यों के द्वारा भी त्याग पत्र दिया गया। अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई कि ये रिसर्च संस्था है, ये चीज है, वो चीज है, उसको वहां पर भी यहाँ पे लोगों ने त्याग पत्र देना स्टार्ट कर दिया। आगे आप बात करोगे तो विधानमंडल के अंदर में होने वाले चुनाव के अंदर में भी लोगों ने लड़ने से मना कर दिया, और ना ही मतदान देने गए, ना ही लड़ते थे चुनाव को, ना ही मतदान देने जाते थे, इसकी शुरुआत यहाँ पे की जाने लगी। सरकारी जो भी उत्सव होता था, कोई प्रोग्राम हो रहा है, सरकारी प्रोग्राम हो रहा है, सभाएं की जा रही हैं, दरबार लगाया जा रहा है, या उसका जो भी चीजें होती थी ना उसका भी वहां पे बहिष्कार किया जाता था।
कई बार देखोगे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा भी सरकारी सभाएं की जाती हैं, मीटिंग बुलाई जाती है, लोगों को उस पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है। तो जो भी इस तरह से गवर्नमेंट के थ्रू जो भी चीजें की जाती थी ना, उसको यहाँ पे असहयोग किया जाता था, उसका अस्वीकार किया जाता था, बहिष्कार किया जाता था उस टाइम पीरियड के अंदर में हम बात कर रहे हैं। सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, जो भी कोर्ट व्यवस्था था उसका यहाँ पे बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया गया। जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार नीति थी कि इस तरह से शिक्षा का प्रसार किया जा सकता है, एजुकेशन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर भी यहाँ पे देसी संस्थाएं खोला जाने लगा। वहां पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वहां पे रोका गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रसार करने के लिए, बढ़ाने के लिए देसी संस्थाओं के ऊपर में जोर दिया गया। जो भी कॉलेज भारतीय कॉलेज होते थे, जो इंडियन किसी द्वारा खोले जाते थे, वहां पे उसकी शुरुआत हुई और नए नए कॉलेजेस खोलना स्टार्ट कर दिया गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था, चरखे का प्रयोग, क्योंकि चरखे प्रयोग से ना गांधी जी का जो मेन सिंबल था वो चरखा ही था, ठीक है, कि चरखे के प्रयोग से हम यहाँ पे रेवोल्यूशन लाएंगे, ये माना था और लाया भी गया। और चरखे के प्रयोग से क्या हुआ कि घर घर सूती का कपड़ा बनाया जाने लगा और इसका प्रयोग किया जाने लगा, लोग खादी का उपयोग करने लगे, सूती के कपड़े का उपयोग करने लगे, और एक तरह से ये व्यापारिक तौर पे जो अंग्रेज सरकार थी उसके ऊपर चोट था। इसका रीजन ये था कि अंग्रेजी सरकार का जो व्यापार था ना, वो ज्यादातर कपड़ों का ही व्यापार था, सिल्क मार्ग का उपयोग करते थे, कपड़ों का व्यापार के लिए उपयोग कराया किया जाता था, रेशम के कपड़ों का भारत से बहुत तगड़े तौर पर व्यापार किया करते थे, जिसके कारण से अब जैसे ही ये कपड़े का उपयोग हुआ भारत के अंदर में चरखे के चलाने से, चरखे के उपयोग से, उसके बाद उनका बहुत बड़ा आघात यहाँ पे व्यापारिक तौर पर लगता है, आर्थिक तौर पर लगता है। जो भी विदेशी मालों की दुकान थी जहां पे विदेशी सामान बेचा जाता था, उसके पास धरना दिया जाने लगा, विदेशी माल को बेचने से रोका जाने लगा। जैसे पता चलता था कि ये दुकानदार है जो विदेशी माल बेचता है, यहाँ पे विदेशी माल मिल सकता है, ठीक है, तो ये चीजें की जाती थी। अभी यहाँ पे जो विदेशी माल हुआ डना बड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, बड़ा पढ़ने में ना थोड़ा नॉनसेंस सा लग रहा है, बट यहाँ पे समझ सकते हो कि जो विदेशी प्रोडक्ट हुआ करते थे वहां पे इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। पंचायतें और देसी न्यायालय स्थापित करना, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे हमने बोल दिया कि भैया जो उनकी न्यायिक व्यवस्था है, जो उनकी न्याय प्रणाली है, जो न्यायालय है, उसको हम बहिष्कार करते हैं, हम उसको मानेंगे नहीं। तो अगर हमारा आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो कौन सॉल्व आउट करेगा, कोर्ट तो ही नहीं, कोर्ट को तो आपने मानने से मना कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया गया, पंचायत का निर्माण किया गया, देसी न्यायालय व्यवस्था स्थापित की गई, हम अपने गाँव के अंदर में ही इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, इसको निपटा लेंगे। स्वदेशी माल के प्रयोग का प्रचार किया गया, भैया देखो विदेशी को छोड़ो स्वदेशी अपनाओ, इसके बारे में जोर दिया गया और इसके ऊपर यहाँ पे आगे बढ़ा गया। छुआछूत के विरुद्ध प्रचार करना और उसको मिटाने का प्रयास किया गया कि किस तरीके से हम छुआछूत को खत्म कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का प्रयास किया गया, किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता आगे बढ़ सकता है, किस तरीके से उसको हम लेके चल सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे जोर दिया गया। सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में बात की गई, किस तरह से हम सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, और अहिंसा का पालन करते हुए किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जहां पे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर में ये तय किया गया कि हम असहयोग आंदोलन के अंदर में ये चीजें करने वाले हैं और ये चीजें होने वाला है और इस तरह का ये चीजें रहेंगी, ठीक है, समझ में आता है। हम आगे बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख चरण क्या थे, कौन कौन से स्टेप के अंदर में क्या क्या चीजें हुई असहयोग आंदोलन के बारे में, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी व्यूवर से, जो भी हमारे दैनिक का परिवार 60,000 के करीब हो चुका है, हमें 1,00,000 के जो स्कोर है ना, 1,00,000 का जो नंबर है उसको हमें टच करना है। तो मैं प्लीज यार रिक्वेस्ट ये करने वाला हूँ सभी दीनअप के परिवार से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक हमारे चैनल का लिंक पहुंचाएं, उनको बोले लाइक करें। अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगता है, अगर आपको लग रहा है कि मैं समझा पा रहा हूं जो भी आपको समझना है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से मेहनत कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। कुछ टाइम से जो हमारी स्पीड है बहुत स्लो हो चुकी है सब्सक्राइब गेन करने के मामले में, और उसके कारण से हमें डिमोटिवेशन होता है कि यार क्या वीडियो बनाना छोड़ो, ऐसा कोई करियर है नहीं इसके अंदर में, ठीक है, काम छोड़कर बनाए मतलब सरदर्द जैसा हो जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपको एमए हिस्ट्री का नोट चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ब्लॉगर या क्वेरा से ले सकते हो। क्वेरा और ब्लॉगर दोनों जगह पे आपको एमए हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, स्पेशली आप ब्लॉगर पे जाइए, वहां से आपको एमए हिस्ट्री के नोट्स मिलने वाले हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर में इनका लिंक है तो वहां से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख चरण क्या थे, तो असहयोग आंदोलन का जो प्रथम चरण था, जहां पे मार्च जनवरी से लेकर मार्च 1921 तक में जो भी सरकारी विद्यालय थे, महाविद्यालय थे, न्यायालय थे, उनका बहिष्कार किया गया और चरखे का प्रयोग किया गया प्रथम चरण के अंदर में। प्रथम चरण के अंदर में जो हजारों विद्यार्थी थे जिन्होंने स्कूल को छोड़ दिया, ठीक है, और वहां पे 800 राष्ट्रीय विद्यालयों के अंदर में प्रवेश लेने लगे। जो देश के अंदर में जो सरकारी स्कूल हुआ करते थे ना, जो सरकारी लोगों मतलब भारतीय लोगों के द्वारा खोला गया था, स्टार्ट किया गया था, उसके अंदर में उन्होंने एडमिशन लिया। जो अंग्रेजी स्कूल थे, जो अंग्रेजी माध्यम के जो पूरा पढ़ाने का जो तरीका था, महाविद्यालय थे जो उनके स्कूल थे अंग्रेजों के, उसको वहां पर छोड़ा गया और सरकारी स्कूलों के अंदर में राष्ट्रीय विद्यालयों के अंदर में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसके अंदर में एडमिशन लिया गया।
कलकत्ता और लाहौर में व्यापक छात्र आंदोलन हुए, ठीक है। शैक्षिक बहिष्कार मुख्य रूप से बंगाल और पंजाब के अंदर में सफल देखा जाता है। इन्हीं सब प्रोसेस के बीच के अंदर में आप देखोगे जेएनयू की स्थापना, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना, इन सब चीजों की स्थापना आपको देखने के लिए मिल जाता है। स्पेशली जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यद्यपि न्यायालय के का बहिष्कार करना उतना सफल नहीं हुआ, न्यायालय का बहिष्कार करना उतना सफल नहीं हुआ, पर कई सारे प्रमुख वकील थे जैसे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन चिकलू किचलू और आसिफ अली जैसे, जो वकालत उन्होंने अपनी छोड़ दी, जो ये सारे प्रमुख वकील थे जो उस समय उच्च न्यायालय के अंदर में वर्क करते थे, न्यायालय के अंदर में वर्क करते थे, उन्होंने अपनी वकालत जो थी उनकी वकालत उन्होंने यहाँ पे त्यागपत्र दिया अपने वकालत से। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार चरण एक में स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे जो हजारों स्वयं सेवक थे वो घर घर जाकर स्वदेशी अपनाने के ऊपर में जोर दे रहे थे और लोगों तक अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे, किस तरह से हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, लोगों को कैसे समझा सकते हैं कि स्वदेशी अपनाया जाना चाहिए, इसके ऊपर में जोर दिया जाने लगा। विदेशी जो कपड़े थे सार्वजनिक रूप से होली के रूप में जलाई जाने लगी, ठीक है। विदेशी कपड़ों की दुकान का घेराव किया जाता था, उनको विदेशी कपड़े बेचने से रोका जाता था। शराब की दुकानों का बहिष्कार किया गया, जिससे सरकारी राजस्व के अंदर में भी कमी आते हुए देखने के लिए मिल जाती है हमें। द्वितीय चरण के अंदर में आप बात करोगे द्वितीय स्टेप के अंदर में क्या हुआ, तो यहाँ पे जो 1921 के अंदर में कांग्रेस का विजयवाड़ा अधिवेशन हुआ उसके अंदर में कुछ स्टेप लिए गए, जो अगले 3 महीने तक मतलब कांग्रेस के अंदर में 1 करोड़ सदस्य को भर्ती करना है, 1 करोड़ नए सदस्य को कांग्रेस के अंदर में शामिल करना है, मेंबरशिप दिलवाना है, ये कहा गया। तिलक राजस्व कोष के लिए 1 करोड़ रुपए जमा करेंगे, जो तिलक थे ना वो यहाँ पे राजस्व कोष के लिए 1 करोड़ रुपए जमा करेंगे और 20 लाख चरखे का बंटवारा किया जाएगा, लोगों तक चरखे को बांटा जाएगा, फ्री में चरखा पहुंचाया जाएगा, जिससे हर घर चरखा चल सके और लोग उस चरखे से अपने कपड़े तैयार कर सके और अपने कपड़े पहन सके, स्वदेशी कपड़े पहन सके, इसके लिए यहाँ पे चरखे का बंटवारा स्टार्ट किया जाता है। इन कार्यक्रमों की पर्याप्त सफलता मिलती है, जो भी कार्यक्रम स्टार्ट किए गए उसमें पर्याप्त सफलता मिलती है। यहाँ पे करोड़ों की बात की गई थी कि करोड़ों में सदस्यों की भर्ती की जाएगी, पर यहाँ पे 50 लाख सदस्यों की भर्ती एक बड़े पैमाने पर किया जाता है और चरखे का जो प्रोग्राम था कि किस तरह से चरखे का बंटवारा किया जाएगा, ये चरखे का जो सिंबल था वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है और एक तरह से क्रांतिकारी सैम्बलिक तौर पे संबल तौर पे यहाँ पे जाना जाता है। अंग्रेजों के लिए जो चरखा था ना यहाँ पे बंदूक से ज्यादा काम किया, AK-47 से ज्यादा वर्क करते हुए देखा जाता है, ठीक है। बड़ी संख्या में जो लोग थे वो खादी कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। जैसे ही जैसे कोई भी व्यक्ति ना खादी कपड़ा पहनता था या उसके घर में चरखा मिलता था तो ये समझ जाते थे कि ये लोग असहयोग आंदोलन के सपोर्टर हैं, ये लोग अंग्रेजों के साथ नहीं देने वाले, ये चीज समझी जाती थी। अगर आप तीसरे चरण की बात करोगे कि तीसरे स्टेप में क्या हुआ, तो जुलाई 1921 में मोहम्मद अली ने एक उत्तेजक भाषण दिया, ठीक है। उसके अंदर में इतना ज्यादा आक्रोश था भाषण के अंदर में कि ब्रिटिश सेना के अंदर में जो भी सेवारत मुसलमान है, जो काम कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार के अंदर में काम कर रहे हैं और धार्मिक स्तर पर अन्यायपूर्ण, उन्होंने ये बोला कि इस्लाम धर्म के लिए खतरा है अगर आप इसमें काम कर रहे हो, मुस्लिम अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हो, ये इसके लिए खतरा है। और सेम आइडियोलॉजी आज के समय में भी ये फोकस की जाती है, अगर किसी मोमडन को ये बोलना होता है कि ये चीज ऐसी है तो डायरेक्टली कह दिया जाता है कि धार्मिक स्तर पर ये चीजें अन्यायपूर्ण है। तो सेम मोहम्मद अली का जो भाषण था उसके अंदर में ये टारगेट किया गया कि ब्रिटिश सेना के अंदर में कार्यरत रहना, सेवारत रहना, मुसलमानों के धार्मिक स्तर पर ये अन्यायपूर्ण है, ये माना गया, जिसके बाद मुसलमानों ने बड़े स्तर पर त्यागपत्र देना आरंभ कर दिया और शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मोहम्मद अली को इस भाषण के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी जो प्रिंस ऑफ वेल्स की बात करोगे, जब एक दौरा हो रहा था तो यहाँ पे राष्ट्रवादी विचारधारा के जो भी लोग थे, प्रिंस ऑफ वेल्स का मतलब क्या हुआ, जो राजकुमार थे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के, वो एक दौरा पे आए हुए थे, वेल्स के राजकुमार थे तो दौरे पे आए हुए थे, तो वहां पे क्या हुआ 17 नवंबर को जैसे ही वो बॉम्बे में उतरे उसके बाद उनका स्वागत पूरे शहर में हड़ताल और प्रदर्शन के रूप में हुआ। अब नॉर्मली क्या होता था कि अगर कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो पूरी सड़क को सजा दिया जाता था, लोग उसके स्वागत में लग जाते थे, पर यहाँ पे लोग क्या थे हड़ताल करने लगे और प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद एक ना नेगेटिव इमेज बनकर आया कि ये चीजें ऐसी हैं और जिसका समापन कई जगह पर हिंसा के रूप में हुआ, अलग अलग जगह पे हिंसा भी देखी गई। अगर आप बात करोगे चतुर्थ चरण में क्या हुआ, चौथे चरण के अंदर में क्या चीजें देखी गई, तो यहाँ पे खिलाफत के हसरत मोहिनी के जैसे जो नेता थे ब्रिटिश सरकार के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे कि भैया पूर्ण स्वतंत्रता हो, हमें पूरी तरह से आजादी मिले, ये मांग की जा रही थी। कांग्रेस ने अपनी प्रांतीय समितियों का सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने की स्वीकृति दे दी, जो छोटे 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 प्रांतीय स्तर पर जो कमेटी थी कांग्रेस की उसके अंदर में भी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करने की अनुमति दी गई कि आप भी स्टार्ट कर सकते हो। सरकार ने अपनी दमनकारी नीति तेज कर दी, धीरे धीरे आंदोलन को दबाने की कोशिश स्टार्ट कर दी और बड़े पैमाने पर लोगों को बंदी बनाया जाने लगा।
और इसे बैठकों को रोका जाने लगा, जो भी बैठक किया जाता था, मीटिंग किया जाता था, तो उसको रोका जाने लगा। स्वयंसेवी दलों का निषेध हुआ, जो भी स्वयंसेवी दल थे उनको यहाँ पे रोका जाने लगा, निषेध किया जाने लगा। कांग्रेस और सरकार दोनों ही हिंसा से डर रहे थे, दोनों के अंदर में डर था कि कहीं से हिंसा के कारण से जान माल की हानि ना हो जाए, ये इस बात का डर था। और कांग्रेस और सरकार दोनों के अंदर में इस चीज का डर था। यहाँ पे देखोगे गोरखपुर के जिला में चोरा चोरी में 5 फरवरी 1922 को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ पर हमला किया, बदले में पुलिस ने गोलियां भी चलाई। मतलब प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ पर पुलिस ने हमला किया और बदले में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके बाद क्या होता है कि जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने क्रोध में आकर पुलिस स्टेशन के अंदर में आग लगा दी और उसमें कई पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पे सारा कुछ बदल जाता है। क्या बदलता है, तो गांधी को इस घटना के बाद पता चलता है कि वो असहयोग आंदोलन को रोकने का निश्चय लेते हैं, वापस करने का निश्चय लेते हैं। जैसे ही गांधी जी को खबर मिलता है कि असहयोग आंदोलन के अंदर में गोरखपुर के चोरा चोरी के अंदर में ये कांड हो गया जहां पे निर्दोष पुलिस वालों की हत्या हो जाती है, ऐसे ही क्रांतिकारियों की भी हत्या हुई, पर नॉर्मली पुलिस स्टेशन में आग लगाना ये हिंसा का प्रतीक था, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निश्चय किया और मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इसके साथ ही असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है, यहाँ पे रुक जाता है। अगर आप बात करा जाए कि असहयोग आंदोलन की उपलब्धियां क्या थी, क्या क्या चीजें असहयोग आंदोलन के अंदर में अचीव की गई, तो यहाँ पे भारत के इतिहास के अंदर में असहयोग आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, एक महत्वपूर्ण योगदान था भारत की स्वतंत्रता के लिए। अगर असहयोग आंदोलन का शुरुआत नहीं होता तो यहाँ पे जो नींव थी ना अंग्रेजी सरकार की वो हिल गई थी, वो चरखा को देख के यहाँ पे डर गया था कि क्या चरखा होता है। ठीक है, इसका मेन चीज रीजन क्या था, यहाँ पे क्या उपलब्धियां थी उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का ये प्रथम विस्तृत आंदोलन था, एक बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा सफल आंदोलन तो नहीं हो पाया पर एक बड़ा आंदोलन, पहला आंदोलन था जहां पे गांधी जी ने लोगों की पावर समझी कि किस तरह से लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, मेरे बोलने पे ये चीजें कर रहे हैं, जहां पे कोई ये नहीं सोच सकता था हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ सकता है, वहां पे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की गई, वहां पे हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बात की गई। जबकि उसी टाइम पीरियड पे मालाबार घटना हुई, जिसके बारे में हमने पार्ट वन के अंदर में डिटेल में चर्चा किया था, जहां पर एक कई सारे हिंदुओं को मारा गया, हजारों 200,000 हिंदुओं को मार दिया गया, काट दिया गया, सरदर से अलग कर दिया गया, पर उस घटना के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पे स्थापित हुई। और इसमें जितने भी आंदोलन के अंदर में जो भी गिरफ्तारी हुई उसमें एक बड़ी संख्या मुस्लिम लोगों की देखी गई, ये चीजें यहाँ पे देखी जाती है। गांधी जी ने इस रिश्ते को बनाए के रखने के लिए कार्य संपादन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि ये रिश्ता चल सके, ये रिश्ता को बनाए रखा जा सके, हिंदू मुस्लिम को जोड़ा रखा जा सके, इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका गांधी जी की मानी जाती है। असहयोग आंदोलन के अंदर में जातिगत भेदभाव और अनटचबिलिटी को दूर करने पर बल दिया गया, भाई अनटचबिलिटी दूर हो, अस्पृश्यता दूर हो, जातिगत भेदभाव दूर हो, कि हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजें दूर हो, उस सब चीजों को भूल कर वो भारतीय होकर लड़ रहे थे। ठीक है, अपने देश के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ये चीजें यहाँ पे नोट डाउन किया गया। आंदोलन का जो क्षेत्र था विस्तृत था, ये नहीं था कि एक सीमित क्षेत्र के अंदर में आंदोलन हुआ। जैसे आप देखोगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, तो उसका स्वरूप तो विशाल था पर वो एक लिमिटेड क्षेत्र के अंदर में, लिमिटेड दायरे के अंदर में ही फैला। अगर एक टाइम पीरियड में एक साथ पूरे भारत के अंदर में उसका आगाज होता ना, तो कहीं ना कहीं उसी समय 1857 के अंदर में ही भारत के आजाद हो जाता और आज जो भारत का स्थिति है ना शायद कुछ और होता, शायद भाई हम कुछ और होते, ये चीजें आप बोल सकते हो। ठीक है, ये समझ में आता है। आगे मैं बात करूं तो इस अवधि के दौरान में कई तरह के जो किसान और मजदूर थे वो भी सक्रिय हुए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो बड़े लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे वही एक्टिव थे, वही इस आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, मजदूर और किसानों का भी कई जगह पे आंदोलन एक टाइम पीरियड पे चल रहा था, इस तरीके से आंदोलन को किया गया। ठीक है, तो महिलाएं भी इसके अंदर में भाग ले रही थी, महिलाओं ने भाग लेने के लिए घरों की दीवारों से मुक्ति पाई। ठीक है, ये था एक तो मेंटेलिटी भी लोगों की ये थी कि भाई महिलाएं हैं कहाँ पार्टिसिपेट करेंगी, कैसे पार्टिसिपेट करेंगी, पर जब पुरुष आदमी जो होता, आदमी जब जेल चला जाता था किसी की रीजन से या उनको पुलिस ने पकड़ लिया तो महिलाएं उनकी जगह पे मोर्चा संभालती थी। और यहाँ पे महिलाओं को सबसे ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट दिया गया गांधी जी के द्वारा, इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि महिलाएं सहनशील थी, वो सह सकती थी चीजों के बारे में कि क्या चीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको सह सकती थी और लंबे समय तक वो अहिंसा बिना किए रह सकती थी। पर जबकि आंदोलन के अंदर में जो पुरुष थे वो उतने ज्यादा पेशेंस वाले नहीं थे, वो हिंसा करते थे, जिसके कारण से वो ज्यादा सपोर्टिव नहीं माने जाते थे। महिलाओं का भाग लेना एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर साबित होता है इस आंदोलन के अंदर में। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा, बस रिक्वेस्ट यही करने वाला हूँ दोस्तों आप सभी व्यूवर से कि हमारे दोनों चैनल द ईनब और नब इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से मेहनत कर सके, आपके लिए और अच्छे से बनाकर वीडियो लेकर आ सके और आपको डिटेल में समझा सके। ठीक है, पहले हम यहाँ पे नोट्स भी नहीं देते थे पर हमने अभी यहाँ पे नोट्स देना स्टार्ट किया। तो जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, जो भी आप इस पीडीएफ के अंदर में देख रहे हो, जो भी है इस पीडीएफ के अंदर में, आपको प्रॉपर सेम डिटो कॉपी पेस्ट आपको नोट्स मिल जाएगा एमए हिस्ट्री का,
जो गूगल ब्लॉगर पे और क्वेरा पे मिल जाएगा, दोनों जगह से आप ले सकते हो। क्वेरा यूज कर सकते हो, वहां पे फॉलो करो, गूगल ब्लॉगर पे हमें फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर में इनका लिंक दिया हुआ, यहाँ से डायरेक्टली आप लेके कर सकते हो। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।